दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में करीब 3000 टन सोना मिलने की बात को जीएसआई ने खारिज कर दिया है। जीएसआई ने कहा है कि 3000 टन सोना नहीं सिर्फ 160 किलोग्राम सोना मिला है। जीएसआई की सफाई के साथ उन तमाम खबरों पर भी ब्रेक लग गया है जिनमें पिछले हफ्ते से सोनभद्र में भारी पैमाने पर सोना मिलने का दावा किया जा रहा था। आखिर सोनभद्र में 3000 टन सोना होने की बात कहां से फैली? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारा खेल उत्तर प्रदेश के खनन विभाग और सोनभद्र के कलेक्टर के बीच हुई कुछ पत्र को लीक होने के बाद शुरू हुआ है। 31 जनवरी 2020 को एक पत्र के मुताबिक सोनभद्र जिले के सोना पहाड़ी ब्लॉक में कुल 2943 टन और हल्दी ब्लॉक में 646 किलोग्राम सोना होने की संभावना जताई गई थी। इस प्रकार से ये पत्र बताता है कि सोनभद्र के दो ब्लॉक में करीब 3000 टन सोना होने की संभावना कही गई थी। दोस्तों जब 31 जनवरी का ये पत्र बीते 19 फरवरी को सोनभद्र की अस्थायी डीएम के हाथ लगा तो ये खबर आग की तरह फैल गई। जिले में 3000 टन सोना मिलने की खबर के बाद मीडिया में कहा जाने लगा कि भारत में फिर से सोने की चिड़िया बनने वाली है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी इसे ईश्वर का आशीर्वाद बताने लगे। जांच पड़ताल की गई तो शनिवार को जीएसआई ने जारी किया कि यहां 3000 टन सोना नहीं बल्कि 160 किलोग्राम सोना होने की संभावना है।